अगर आप पेम मोबाइल एप्लीकेशन में काम करना चाहते हो तो आपको ब्रांच आईडी लेना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिरंजीत रॉय और आप देख रहे हो टेक्निकल चिरू 2.0। दोस्तों, क्या आप पैन कार्ड की काम करते हो, जैसे न्यू पैन कार्ड एप्लीकेशन, पैन कार्ड करेक्शन, पैन कार्ड रिप्रिंट? अगर ऐसे कुछ काम करते हो, आप किसी ना किसी पोर्टल से करते हो, जैसे CSC का पोर्टल है जहाँ पर पैन कार्ड की काम होती है, ऐसे ही UTI PSA पोर्टल है जहाँ पर पैन कार्ड की काम होती है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे NSDL का एक थर्ड पार्टी पोर्टल होता है जहाँ पर आप लोग काम करते हो, तो भाई इन सारे पोर्टल में आप काम करके उतना फायदा भी नहीं कर पा रहे हो और काम करके उतना मजा भी आपको नहीं आ रही है। दोस्तों, आज जिस आईडी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ये है NSDL का ब्रांच आईडी। NSDL ब्रांच आईडी क्या होता है? NSDL डायरेक्ट आपको ब्रांच खोलने का परमिशन दे रही है और आप NSDL का ब्रांच ओपन करके पैन कार्ड के सारे काम कर सकते हो, जैसे न्यू पैन कार्ड करेक्शन, पैन कार्ड रिप्रिंट और भी बहुत सारे पैन कार्ड के काम होते हैं, कोई ग्रुप का पैन कार्ड, कोई कंपनी का पैन कार्ड, तो पैन कार्ड की आप सारे काम कर सकते हो। और आपको जो ब्रांच आईडी मिलेगा, ब्रांच आईडी मिलने के बाद NSDL का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपका सेंटर का नेम शो होगा और इस ब्रांच आईडी से आप दो तरीके से एप्लीकेशन कर पाओगे, एक तो कंप्यूटर में जिसको लॉगिन मैनेजर बोलते हैं, लॉगिन मैनेजर में आप अगर पैन कार्ड की एप्लीकेशन करोगे तो 24 आवर्स से 48 आवर के अंदर आपको ई पैन कार्ड भी मिल जाएगा, और जो फिजिकल पैन कार्ड होंगे वो 10 से 12 दिन के अंदर कस्टमर का जो पोस्टल एड्रेस होंगे वहां पर पैन कार्ड मिल जाएगा। मोबाइल में भी अभी NSDL का पैन कार्ड एप्लीकेशन कर सकते हो। दोस्तों, मोबाइल वाला जो प्रोसेस है ये टोटली पेपरलेस प्रोसेस है, यहाँ पर EKYC के माध्यम से पैन कार्ड एप्लीकेशन होते हैं, OTP और फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप पैन कार्ड बना सकते हो, वो भी 2 घंटे के अंदर अंदर, 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ई पैन कार्ड मिल जाएगा। तो भाई इससे बढ़िया पोर्टल आपको किधर भी नहीं मिलेगा। अगर आप पैम मोबाइल एप्लीकेशन में काम करना चाहते हो तो आपको ब्रांच आईडी लेना ही पड़ेगा। दूसरे बहुत सारे आईडी है जिसमें आप ऐसे काम नहीं कर सकते हो और फास्ट सर्विस भी नहीं दे सकते हो अपने लोगों को, मतलब आपके दुकान में जो कस्टमर आएगा उनको अगर आप फास्ट सर्विस देंगे तो आपके पास ही बाकी कस्टमर भी आएगा। भाई ये एकदम जेन्युइन बात है, आप चेक करके देख लेना। भाई आप अगर कोई कस्टमर को, मतलब आपके दुकान में जितने सारे कस्टमर आते हैं उनको अच्छा फैसिलिटी देंगे अपने दुकान में और अच्छा व्यवहार करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आपके हो आएगा ही। भाई अभी के टाइम में लोग क्या चाहते हैं, भाई लोग चाहते हैं कि हमें जल्दी से सर्विस मिल जाए, मतलब कोई लोग अगर बोलते हैं भाई हमें आज के आज पैन कार्ड चाहिए, तो उस टाइम आपके पास अगर ब्रांच आईडी नहीं होंगे आप उनको पैन कार्ड भी तुरंत नहीं दे सकते हो। अगर आपके पास ब्रांच आईडी होंगे ना तो आप उनको 2 घंटे के अंदर ही पैन कार्ड दे सकते हो। भाई तो भाई आप अगर पैन कार्ड 2 घंटे में दोगे तो और भी लोग आपके पास आएगा, सुनेगा लोगों से, सुने उसके बाद आपके कस्टमर भी बढ़ेगा। तो भाई देखो, अगर आप NSDL का ब्रांच आईडी लेना चाहते हो तो मेरे से कांटेक्ट करो, भाई NSDL का ब्रांच आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं हो रहे ना तो आपको मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड भी कर दिए है, इंडिया के बहुत सारे स्टेट का लोग है जिनका मैं फीडबैक वीडियो लिया है, उनको जो मैं प्रोवाइड किया उनसे मैं फीडबैक लिया, मैं कैसे दिया उनको, उनसे कितना पैसे लिया, कितना दिन में आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया, तो सारी कुछ डिटेल्स इस चैनल में ही है, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है ऑलरेडी। आपको अगर मेरे पे विश्वास करना है तो वो वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा भाई, तो आप पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद मेरे पे अगर विश्वास होते हैं तो ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको आसानी से प्रोवाइड भी कर दूंगा।